इस तरफ है दोस्तों आपका विश्वविद्यालय और इस तरफ है दोस्तों आपका रविंद्र बहादुर म्यूजियम। पूरा वजन खींचते हुए बनाया गया है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत आर्ट यहाँ देख सकते हैं, रस्सियों से खींचते हुए बनाया गया है। तो ये है दोस्तों यहाँ का खूबसूरत सा संगीत विश्वविद्यालय। यहाँ पेंटिंग ड्राइंग के लिए दोस्तों यह रूम बना हुआ है स्पेशली। हेलो दोस्तों, आप सभी का सफ़र इंडिया के नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूँ कमल और आज मैं आ चुका हूँ दोस्तों खैरागढ़ का प्रसिद्ध इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो कि दोस्तों अपने कला और संस्कृति के लिए दोस्तों पूरे इंडिया में मशहूर है। तो आइए मेरे साथ देखिए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। खैरागढ़ का प्रसिद्ध इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय कुछ चुनिंदा संस्थानों में से एक है जो कि संगीत और कला को पूरी तरह से समर्पित है। यह कॉलेज रायपुर से लगभग 85 किलोमीटर एवं राजनांदगांव से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर खैरागढ़ के बस स्टैंड के पास स्थित है। तो आइए मेरे साथ देखिए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। इस तरफ है दोस्तों आपका विश्वविद्यालय और इस तरफ है दोस्तों आपका रविंद्र बहादुर म्यूजियम। तो पहले आपको यहाँ का म्यूजियम ले चलते हैं। यहाँ के बारे में डिटेल लिखा हुआ है दोस्तों, वो आपको बता देते हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ स्थापना वर्ष 1956 तत्कालीन खैरागढ़ राज्य के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी एवं रानी पद्मावती देवी जी ने अपनी पुत्री स्वर्गीय इंदिरा की स्मृति को अक्षुण बनाए रखने हेतु अपना पैतृक राजमहल स्मृति स्वरूप संगीत एवं ललित कला के विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु दान कर दिया था। इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन 14 अक्टूबर 1956 विजयदशमी को श्रीमती इंदिरा गांधी के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। इस विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष है। देश के विभिन्न प्रदेशों के साथ विदेशों के भी विद्यार्थी अध्ययन करने हेतु लाभान्वित होते हैं। स्थापना से अब तक विश्वविद्यालय संगीत नृत्य ललित कलाओं के क्षेत्र में ज्ञान के संरक्षण संवर्धन एवं प्रचार प्रसार हेतु कार्यरत है। साथ ही पारंपरिक एवं आधुनिक कला के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। विश्वविद्यालय का उद्देश्य संगीत एवं ललित कलाओं की विभिन्न शाखाओं में ज्ञान का विस्तार करना तथा उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्रदान करना है। दोस्तों यह ललित कलाओं के अंतर्गत गायन वादन नृत्य नाट्य तथा दृश्य कलाओं के अलावा भी हिंदी साहित्य अंग्रेजी साहित्य और संस्कृत साहित्य अध्ययन हेतु उपलब्ध है। तो आइए पहले यहाँ का म्यूजियम आपको दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियों से दोस्तों यहाँ का विश्वविद्यालय का निर्माण यहाँ किया गया है, देख सकते हैं। यहाँ संग्रहालय खुलने का समय दोस्तों प्रातः 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक। इस म्यूजियम में दोस्तों आपको प्राचीन कलाकृतियाँ बहुत सारे जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। किसी वस्तु को हाथ ना लिखाए, यहाँ स्पेशली लिखा हुआ है, तो उस बात का आप ध्यान रखें। प्राचीन कलाकृतियाँ हरपाल लोकेश्वर लगभग 7वीं शताब्दी कवर्धा देख सकते हैं दोस्तों, आदि मानव के दिवस का बना हुआ है। प्राचीन जो है प्रौद्योगिक इतिहास, मानव का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, पाषाण काल, सभी प्रकार की जानकारी इसके उद्देश्य से दोस्तों यहाँ बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, सभी का वर्णन यहाँ किया गया है, देख सकते हैं। पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, पूर्व पाषाणकालीन, तो यहाँ दोस्तों पुराने से पुराने जीवाश्म यहाँ इकट्ठा करके रखा गया है, देख सकते हैं आप। सिंधु घाटी की कला देख सकते हैं दोस्तों, डोड़ते सील वाला पशु खिलौना सिंगवा सभ्यता, पशुपति मुद्रा सिंगवा सभ्यता, चीटी भक्षक सिंघव सभ्यता, आलिंगन बद्ध कपि सिंघव सभ्यता, सांची का स्तूप, मगवगवक जातक दृश्य भरहूत, भारतीय मूर्तिकला, प्राचीन भारतीय मूर्तिकला, बुद्ध ऋषि मथुरा, सीनांद नालंदा, धातु मंजूषा कोस लोह, 100 वर्ष पुरानी प्राचीन पेटी, कांदीरा महादेव मंदिर खजुराहो, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। कला शिखर, अंतराल, महामंडप, मंडप, अर्ध मंडप, सभी प्रकार की डिटेल्स यहाँ दी गई हैं। मंदिरों के प्रकार, मंदिर स्थापत्य, तंजुरा, बुहेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बेसर शैली,
संग्रहालय में संग्रहित मुद्राएं खैरागढ़ से प्राप्त ताम्रपत्र काला के रुद्र शिव सप्त मातृकाएं एवं गण वीरभद्र ब्रह्मानी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी वारही इंद्राणी चामुंडा गणेश छत्तीसगढ़ मंदिर स्थापत्य शिव मंदिर पाली जिला कोरबा शिव मंदिर गंडई जिला राजनांदगांव शिव मंदिर देव बालोद जिला दुर्ग विष्णु मंदिर जांजगीर जिला चांपा सीता देवी मंदिर देव बिरजा जिला दुर्ग अयोध्या का राम मंदिर स्वर्गीय राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह की आराम कुर्सी मूर्तिकला विथिका प्राचीन कलाकृतियाँ जो अद्भुत है भगवान श्री गणेश जी प्राचीन कलाकृतियाँ जो आज भी यहाँ सेव करके रखी गई हैं तो यहाँ दोस्तों लगभग प्राचीन के सभी कलाकृतियाँ यहाँ आपको देखने को मिलेंगे उमा महेश्वर लगभग 11वीं शताब्दी कवर्धा महेश्वरी शिवानी लगभग 12वीं शताब्दी अंकोछुरिया धर्मनाथ लगभग 12वीं शताब्दी गंडई पार्श्वनाथ लगभग 12वीं शताब्दी डोंगरगढ़ यशोराजदेव लगभग 12वीं शताब्दी सहसपुर लोहारा मत्स्य कश्यप वराह नृसिंह वामन परशुराम राम कृष्णा बुद्ध कल्पी विष्णु भगवान श्री विष्णु के 10 अवतार यहाँ बने हुए हैं और इस तरफ है श्री लक्ष्मी नारायण 12वीं शताब्दी कवर्धा महिषासुर मर्दानी लगभग 12वीं शताब्दी लिमौटोला तीर्थकर लगभग 12वीं शताब्दी कवर्धा राजा रानी लगभग 13वीं शताब्दी कवर्धा उमा महेश्वर लगभग 12वीं शताब्दी सिलिप चराही कवर्धा तीर्थकर लगभग 12वीं शताब्दी कवर्धा लक्ष्मी नारायण 12वीं शताब्दी राजा रानी लगभग 12वीं शताब्दी विदोरा लोहारा नायिका फलक लगभग 13वीं शताब्दी डोंगरगढ़ विष्णु माधव लगभग 13वीं शताब्दी बिरखा बिल्हारी पादपीठ गणेश एवं गज लगभग 13वीं शताब्दी डोंगरगढ़ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ खूबसूरत बहुत ही खूबसूरत सा पेंटिंग बनाया गया है श्री मान सिंह राठौर गुजरात पेंटिंग है शंकर मंडावी भुजैया बुढ़िया चित्रकार छत्तीसगढ़ यह जो पेंटिंग है दोस्तों राम नारायण गौड़ चित्रकार छत्तीसगढ़ देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियों से बनाया गया है दोस्तों यह पेंटिंग यह जो पेंटिंग है दोस्तों शंकर सिंह राठौर गुजरात जयराम मंडावी मौर्या चित्रकार छत्तीसगढ़ कमलेश रत्ना दुलसाड़ा वारली महाराष्ट्र उमाबाई देवार छत्तीसगढ़ बहुत ही खूबसूरत आर्ट यहाँ बनाया गया है देख सकते हैं रमेश बारिया देख सकते हैं दोस्तों यहाँ बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियों से यहाँ बनाया गया है सुशीला देवी पासवान एवं नेवलाल पासवान कैनवास में बनाया गया है देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा आर्ट मानकीवाड़ा वारली महाराष्ट्र शेर सिंह बावोर देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है दोस्तों यहाँ पेंटिंग घुंगरू पट्टू डब
अलग अलग प्रकार के दोस्तों संगीत से रिलेटेड यहाँ तबला अलग अलग प्रकार के यहाँ बने हुए हैं। आप देख सकते हैं तबला, अलग अलग प्रकार की ढोलक, पंचमुख वादम, एक साथ यहाँ दोस्तों पांचों ढोलक बना हुआ है। देख सकते हैं पंचमुख वादम जो मैं लाइव में पहली बार देख रहा हूँ। नंगाड़ा जो कि दोस्तों आपका होली के लिए बहुत फेमस रहता है, नंगाड़ा आपका, मृदंगम, पुष्करम, घटम और गीत के लिए प्रसिद्ध दोस्तों आपका सरोद, बेला, म्यूज़िक के लिए साज कश्मीर, सरोद, अलग अलग प्रकार की म्यूज़िक के लिए यहाँ दोस्तों बना हुआ है। प्राचीन जो म्यूज़िक के लिए है दोस्तों बना हुआ है सारंगी, यह उत्तर भारत का सिरका विहीन वाद्य है। इस वाद्य का निर्माण लगभग 2.5 फुट की एक लकड़ी से किया जाता है, जिसका डिटेल्स यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट करके रीड कर सकते हैं। ये हिरण के ऊपर बना हुआ है दोस्तों, सिंगोर याड़ इसका नाम है। इरुंद याड़, मयार याड़। गीतों के लिए भी दोस्तों, संगीत के लिए, म्यूज़िक के लिए भी अलग अलग डिजाइन से बना हुआ है। देख सकते हैं जो प्राचीन जो है नकुल वीणा, वेद वीणा, तानपुरा, कुर्मापूर्णा, कुर्मा वीणा, सरस्वती वीणा, हमारे वाद्य यंत्र। प्राचीन और विकसित संगीत यंत्रों में विश्व में भारत को महत्वपूर्ण योगदान है। मुख वीणा, पुंगी बीन, सपेरा बीन, सहनाई, अलग अलग प्रकार के दोस्तों यहाँ सहनाई आपको देखने को मिलेंगे। नाथ स्वरम, योद्धा अश्वरोही, यहाँ दोस्तों खूबसूरत पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनका पेंटिंग है उनका नाम भी लिखा हुआ है, एस के श्रीवास्तव, दिलीप दास गुप्ता, सल्प तुरकर, बीपे कंबोज, की एस कुलकर्णी, एन एस बेंद्रे द्वारा पेंटिंग किया है, दिलीप दास गुप्ता द्वारा किया हुआ पेंटिंग, और यह है एन एस बेंद्रे ऑयल पेंटिंग, और ये है वाटर कलर पेंटिंग एस दास गुप्ता द्वारा, और ये है के हैबर ऑयल पेंटिंग, और यह है वासुदेव स्मार्ट द्वारा पिन ऑन पेपर, एन एस बेंद्रे वाटर कलर पेपर ड्राइंग, संभाजी कदम ऑयल कैनवास, ऑयल ऑन कैनवास, एस गुप्ता वाटर कलर ऑन पेपर। चित्रकला विथिक में देश के विख्यात चित्रकारों के प्रदर्शन कार्य प्रदर्शित किए गए हैं। इन पी एन कोयल द्वारा बनाया गया बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाया गया है। देख सकते हैं डॉक्टर यू सी मिश्रा द्वारा बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाया गया है। योद्धा लगभग 16वीं शताब्दी, देवरकट्टा डोंगरगढ़। बांसुरी बजाते हुए बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ है, देख सकते हैं आप। तो ये है दोस्तों यहाँ का खूबसूरत सा संगीत विश्वविद्यालय, देख सकते हैं दोस्तों सामने का खूबसूरत सा नज़ारा आप। उस तरफ है दोस्तों आपका कैंटीन, पुरुष छात्रावास, और इस तरफ है आपका विद्यालय, और सामने दोस्तों गेम जोन्स के लिए भी बना हुआ है। तो इस तरफ है दोस्तों यहाँ का खूबसूरत सा गार्डन, और इस तरफ है आपका राजकुमारी उषा देवी सिंह लाइब्रेरी, लेफ्ट साइड में, और इस तरफ है आपका ग्रंथालय लोक, इस तरफ है दोस्तों आपका संगीत संकाय, इस तरफ है यहाँ का मूर्तिकला विभाग, और इस तरफ निर्माण कार्य चल रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ अलग अलग प्रकार के मूर्ति निर्माण यहाँ किए गए हैं, मुर्गी, बच्चा, चाइल्ड,
छोटा बाबू, अलग अलग प्रकार का दोस्तों यहाँ मूर्ति निर्माण किया गया है। बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियों से यहाँ निर्माण कार्य किया गया है, देख सकते हैं। और निर्माण कार्य अभी और भी किया जा रहा है। आराम से बैठे हुए और यहाँ मूर्ति निर्माण कार्य किया जा रहा है, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये लकड़ी का बना हुआ है जिसमें भैया अपने आर्ट के द्वारा इसको एक नया शेप दे रहे हैं। क्या बना रहे हो भैया इसका? भुट्टा। तो इसको भैया पूरा भुट्टा बनाने वाले हैं। अच्छा, उसमें पूरा दाना बनेगा, पूरा लकड़ी के शेप को पूरा भुट्टा बना रहे हैं भैया। ड्राइंग के लिए दोस्तों यह रूम बना हुआ स्पेशली, देख सकते हैं। यहाँ स्पेशली ड्राइंग पेंटिंग किया जाता है, देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से यहाँ ड्राइंग पेंटिंग की जाती है। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग प्रकार की मूर्ति का निर्माण यहाँ अपनी कलाकृतियों से यहाँ बनाया गया है, देख सकते हैं। किसे बनाया गया है, शेर के ऊपर देख सकते हैं आप। और भाई देख सकते हैं लकड़ी में शेप देते हुए, और भाई लोग इधर पत्थरों में आकार बनाते हुए, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ कितने फिनिशिंग के साथ यहाँ पत्थरों में शेप बनाया जा रहा है। यहाँ दोस्तों बहुत सारे जो निर्माण कार्य यहाँ द्वारा किए गए हैं वो यहाँ बना हुआ है, जिसका कुछ कुछ शेप आपको दिखाते हैं। यहाँ जाओ भाई, आराम से बैठा हुआ बनाया गया है, देख सकते हैं दोस्तों पत्थरों में। तो बहुत सारे जो हैं वो बन गए हैं और बहुत सारे का निर्माण कार्य किया गया है, अभी किया जा रहा है। ये देख सकते हैं भाई द्वारा पूरा वजन खींचते हुए बनाया गया है, देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आर्ट यहाँ देख सकते हैं, रस्सियों से खींचते हुए बनाया गया है, देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियों से दोस्तों पत्थरों में बनाया गया है, अलग अलग प्रकार के पत्थरों में यहाँ निर्माण यहाँ कार्य यहाँ किया गया है। लकड़ी में भी बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियाँ यहाँ की गई हैं, देख सकते हैं। स्वर्गीय राजकुमारी इंदिरा की प्रतिमा का अनावरण। तो आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो। और दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को एनेबल करना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।